हमारे शरीर पर तिल का होना एक आम बात है। कई तिल तो शरीर पर जन्मजात होते हैं, लेकिन कई तिल ऐसे भी होते हैं जो बाद में हो जाते हैं। तिल समय के अनुसार छोटे बड़े या फिर गायब भी हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार तिलों का महत्व उनके आकार के साथ बढ़ता जाता है। भारतीय और चीनी ज्योतिष में तिलों को जातक के भाग्य के सूचक के रूप में जाना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर में अलग अलग जगह पर होने वाले तिलों के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह भाग्य में बदलाव के संकेत भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन तिलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और किस्मत के बारे में जान सकते हैं। समुद्र शास्त्र की माने तो ये तिल मानव जीवन के कई रहस्यों के बारे में भी बताते हैं। जैसे माथे पर तिल का होना मनुष्य को भाग्यवान बनाता है, जबकि होठों पर तिल कामुकता का प्रतीक होता है। तिल स्त्री के शरीर पर बाएं भाग में तथा पुरुष के शरीर पर दाएं भाग में शुभ माना गया है। शहद के रंग की तरह भूरे, पन्ना की तरह हरे व लाल रंग के तिलों को काले तिलों की अपेक्षा अधिक शुभ बताया गया है। काले तिल आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार तिल के आकार का भी विशेष महत्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर तिल का आकार इतना छोटा होता है कि ऐसे तिल देखे भी नहीं जा सकते। इनका कोई खास प्रभाव नहीं होता है। यदि बड़े तिल हों तो व्यक्ति के जीवन को खास प्रभावित करते हैं। लंबे तिल सामान्यतः अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाई ओर तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है, और जबकि बाई ओर तिल साधारण फल ही देते हैं। हालांकि महिलाओं में बाई ओर का तिल शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के दाई कनपटी पर तिल हो तो शीघ्र विवाह का सूचक होता है। इसके अलावा सुंदर पत्नी अचानक धन लाभ भी देता है। बाई कनपटी पर तिल अचानक विवाह का सूचक होता है, इसके साथ धन प्राप्ति भी प्रदान कराता है। हालांकि ऐसी भी आशंका होती है कि ऐसा धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल का होना शुभ होता है। इन्हें सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। यदि तिल भौहों की नोक पर या माथे पर होता है तो स्त्री को राजपद की प्राप्ति होती है। नाक के आगे वाले हिस्से में तिल हो तो स्त्री को परम सुख की प्राप्ति होती है। भौहों के बीच खाली जगह पर तिल होना अति शुभ होता है। दाहिनी भौं पर तिल सुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है, जबकि बाईं भौं पर तिल विपरीत फल देता है। पलकों पर तिल शुभ नहीं माने जाते हैं तथा भविष्य में किसी कष्ट के आने का संकेत देते हैं। कनपटी पर तिल जातक को बैरागी या सन्यासी बनाते हैं। नाक के अग्रभाग पर तिल व्यक्ति को विलासी बनाता है। ऊपरी होठ पर स्थित तिल धनवान और प्रतिष्ठावान बनाता है, जबकि नीचे के होठ पर तिल जातक के कंजूस होने का संकेत देता है। नाक की नोक पर तिल का होना जातक के लिए शुभ होता है। नाक के दाहिनी तरफ तिल कम प्रयत्न के साथ अधिक फल देता है, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ प्रभाव देता है। ठोड़ी पर तिल का होना भी शुभ होता है। व्यक्ति के पास हमेशा धन प्राप्ति का साधन रहता है तथा वह अभाव में नहीं रहता है। गले में स्थित तिल व्यक्ति की लंबी आयु होने का संकेत देता है तथा व्यक्ति को ऐशो आराम के साधन बहुत आसानी से मिलते रहते हैं। गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले के आगे के भाग में तिल वाले जातक के मित्र बहुत होते हैं, जबकि गले पर पीछे तिल होना जातक के कर्मठ होने का सूचक है। गले के पीछे स्थित तिल व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाते हैं, लेकिन कंधे और गर्दन के जोड़ पर स्थित तिल का फल शुभ नहीं होता है। कानों पर स्थित तिल विद्या व धनदायक होता है। हाथ की उंगलियों के बीच में स्थित तिल जातक को सौभाग्यशाली बनाते हैं। अंगूठे पर तिल जातक को कार्यकुशल, व्यवहार कुशल और न्यायप्रिय बनाता है। तर्जनी पर तिल जातक को विद्यावान, गुणवान, धनवान लेकिन शत्रु से पीड़ित बनाता है। मध्यमा पर तिल शुभ फलदायी होता है। जातक का जीवन सुखी व शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल जातक को विद्वान, यशस्वी, धनी और पराक्रमी बनाता है, जबकि कनिष्ठा पर तिल जातक को धनवान तो बनाता है, लेकिन जीवन में शांति की कमी रहती है। हथेली के मध्य में तिल धन प्राप्त कराते हैं। बाह में कोहनी के नीचे स्थित तिल शुभ होता है। यह शत्रुनाशक होता है, परंतु कलाई पर स्थित तिल अशुभ होता है। भविष्य में जेल की सजा हो सकती है। हाथ की त्वचा पर स्थित तिल शुभ फलदायी होते हैं। हृदय पर स्थित तिल स्त्रियों को सौभाग्यवान बनाता है। बच्चों के आसपास स्थित तिल भी ऐसा ही फल देता है। पेट और कमर के जोड़ के पास के तिल अशुभ फलदायी होते हैं, जबकि सीने पर स्थित तिल वाले जातक की मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती हैं। यदि तिल दोनों कंधों पर स्थित है तो जातक का जीवन संघर्षमय रहता है। दाएं कंधे पर तिल जातक की तेज बुद्धि और विकसित ज्ञान की ओर इशारा करता है। कांख पर स्थित तिल धन हानि का सूचक है। कमर पर तिल शुभ फलदायी होता है। पेट पर स्थित तिल शुभ नहीं माने जाते हैं। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य के सूचक होते हैं।
ऐसे जातक भोजन के शौकीन होते हैं, लेकिन नाभि के आसपास स्थित तिल जातक को धन समृद्धि दिलाते हैं। यदि तिल नाभि से थोड़ा नीचे है तो जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। जिन लोगों के पीठ पर तिल होता है वह महत्वाकांक्षी और भौतिकवादी होते हैं। ऐसे जातक रोमांटिक स्वभाव और घुमक्कड़ होते हैं। ऐसे जातक खूब धन और नाम कमाते हैं और ऐसे लोग खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। घुटनों पर स्थित तिल शत्रुओं के नाश को सूचित करता है। टखनों पर भी तिल शुभ फल नहीं देते हैं। कूल्हों के ऊपर स्थित तिल धन का नाश करते हैं। एड़ी में स्थित तिल भी धन तथा मान सम्मान कम करते हैं। पैरों पर स्थित तिल वाला जातक यात्राओं का शौकीन होता है, लेकिन पैरों की उंगलियों के तिल जातक को बंधनमय जीवन देते हैं। पैर के अंगूठे का तिल व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।